HTML हेडिंग। तो आज हम HTML हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML हेडिंग H1 से लेके H6 तक है, वो H1 से लेके H6, इसको हर एक टैग को कुछ डेफिनेशन है। जैसे कि H1 है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, और H6 है वो लोएस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो हम यहाँ अभी H1 से लेके H6 तक टैग लिख लेंगे पहले। और इसका हेडिंग का इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सर्च इंजन में हम जब ये टैग यूज़ करते हैं तो H1 टैग को मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया जाता है और H6 को कम इम्पोर्टेंट दिया जाता है। H1 मोस्टली टाइटल के लिए यूज होता है। उसके बाद HR टैग हॉरिजेंटल रूल के होता है। हम फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम HR टैग यूज कर सकते हैं। देखो हमने ये HR टैग यूज किया, ये लाइन ड्रॉ हो रही है। उसका सिंटेक्स तो सिंपल है, HR लिखना है बस। वो ब्रेक भी कर लेता है और लाइन भी आ जाती है। उसके बाद हेड टैग सिर्फ मेटा के लिए होता है, मेटा डेटा के लिए होता है, वो डेटा डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे कि बॉडी टैग में हमारा डेटा डिस्प्ले होता है, वैसे हेड टैग में वो डेटा डिस्प्ले नहीं होता, ये मेटा इंफॉर्मेशन के लिए होता है वो। जैसे कि हमने यहाँ मेटा टैग में डाल दिया कि ये कैरेक्टर का ये बस, मतलब मेटा टैग डिस्प्ले के नहीं होता, वो जस्ट हेड में हम डालते हैं और वो मेटा डेटा के लिए यूज होता है हेड टैग। बस इतने चैप्टर में तो हमने हेडिंग और HR देखा, हॉरिजॉन्टल रूल, ये दो चीज़ें देखी है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।